Nobody catch me howling at the moon. YouTube, तो ये YouTube का जर्नी हमने शुरू किया 2020 में, जब कोविड का टाइम आ गया था। घर में लॉकडाउन लग चुका था, पूरे शहर में लॉकडाउन लग चुका था, पूरे कंट्री में लॉकडाउन लग चुका था। घर में बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन मोड में क्लासेस चल रहे थे। के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना घर बैठे थोड़े अर्निंग की जाए, YouTube पे वीडियो बना जाए, YouTube से थोड़ा अर्निंग की जाए। तो हम लग पड़े वीडियो बनाए, बहुत सारे वीडियोस बनाए, कोडिंग के ऊपर वीडियोस बनाए, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाए, आपको डिफरेंट कोर्सेज देने के लिए ट्राई किए, बट एवरीथिंग फेल्ड। व्यूज आ रहे थे बट 5 व्यूज 10 व्यूज, वो भी हम खुद दे के व्यूज बना रहे थे। मैक्स टू मैक्स 50 व्यूज जा रहे थे, 100 तो क्रॉस ही नहीं कर रहे थे। फिर टाइम आया BPUT का, ऑनलाइन बोर्ड में एग्जाम का। सो ऑनलाइन बोर्ड में एग्जाम हुआ, वो हमारे लिए बहुत एक बेहतरीन चीज हुआ हमारे यूट्यूब करियर में। तो एग्जाम के टाइम में हमने एक इंटरव्यू किया, अमरिंदर दी वो हमारे सीनियर थे, तो उनका हमने इंटरव्यू लिया कि एग्जाम कैसे हो रहा था, उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड वो हमारा पहला वीडियो बना जिसने कि यूट्यूब पे 1K व्यूज क्रॉस किया। तो इसके बाद दूसरा वीडियो बना BPUT के ऊपर, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट वीडियो 1K क्रॉस। थर्ड वीडियो बना, एक ही दिन में 5K क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद से हमने कभी मुड़ के नहीं देखा, BPUT को पकड़ता गया, BPUT को वीडियो बनाते गया। एंड गाइस अभी हम आ चुके हैं ये मुकाम पे। सो ऐसे वीडियोस बनाते बनाते फाइनली 2 महीने के अंदर हमने हमारे चैनल को मोनेटाइज कर लिया, 1000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए, 4000 वॉच आवर कंप्लीट कर लिए सिर्फ 2 महीने के अंदर ही। एंड ये सब हो पाया सिर्फ आपका सपोर्ट एंड प्यार की वजह से। बट स्टिल असली खेल अभी बाकी था मेरे दोस्त। 7th ऑगस्ट का हमने हमारा चैनल शुरू किया था एंड अक्टूबर में ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। बट $100 करते करते हमको टाइम लगे 6 महीना। 6 महीने तक हम ऐसे वीडियो बनाते रहे, हर एक दिन वीडियो आपके लिए डालते रहे। $100 होने के लिए हमें लगे 6 महीना, यानी कि 6 मंथ टाइम हमें लगे सिर्फ $100 तक पहुंचने के लिए। फास्ट पेमेंट के लिए हम बहुत ही बेस्ट से वेट कर रहे थे एंड फाइनली वो टाइम आ गया। अप्रैल महीने में हमारा $100 कंप्लीट हो चुका था, बट फिर भी कुछ इश्यू के चलते AdSense पे वो 98 ही अपडेट हुआ, मतलब $2 के लिए अभी हमें फिर से 1 महीना और वेट करना था। तो फाइनली मई मंथ में हमारा अपडेट हो गया AdSense में। तो अभी बारी आई पेमेंट लेने की। तो पेमेंट लेने के लिए आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। स्विफ्ट कोड बेसिकली एक टाइप का कोड होता है जो बेसिकली जो मनी आता है वो डॉलर फॉर्म में आता है, उसको जो रुपीज़ है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कोड चाहिए, स्विफ्ट कोड। सो बेसिकली स्विफ्ट कोड हमने बहुत जगह पर सर्च किया, सो फाइनली हमें SBI, मेरा अकाउंट है SBI, तो SBI का स्विफ्ट कोड मुझे मिल गया हमारे ब्रांच का। ऑनलाइन से मैं देख लिया था, उसको मैं फिलअप करके कंप्लीट कर चुका था। YouTube की तरफ से पेमेंट ऑलरेडी रिलीज हो गया था बट स्टिल मेरे अकाउंट पे पैसे नहीं आ रहे थे। तो मैं बैंक को गया, बैंक पे जाके जब मैं उनको पूछा तो वो जो भी बोले ना उसको सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक में बोले आपने जो स्विफ्ट को डाला था वो गलत है। मैंने उनको बोला कि मैं SBI का ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से देख कर डाला हूँ, बट वो बोले कि वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है एंड आपने जो डाला है वो गलत है। तो उस टाइम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट पाने का जो भी खुशी था वो गम में बदल चुका था। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे, क्या होगा, क्या मेरे पैसे वापस आएंगे या फिर YouTube के पास वापस चले जाएंगे, कैसे मेरे को पैसे मिलेंगे, बट कुछ सही से ढंग का आंसर मेरे को नहीं मिल रहा था। खुशी के उसको मैं कॉल किया, उसको बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसके माइंड में बहुत सा टेंशन था, क्या करें अब हम। पेमेंट आ गया, बाकी की बात पेमेंट लेके आता हूँ फिर आपको बोलता हूँ। Try.
might catch me howling at the moon. कहाँ थे हम? फाइनली पेमेंट आ गया. सो आप सोच रहे होंगे स्विफ्ट कोड तो गलत हो गया था, फिर पैसे वापस कैसे आए? सो जो पुराना स्विफ्ट कोड था उसी में ही गूगल ने सेंड कर लिया था, यूट्यूब उसको पैसे सेंड कर लिया था एंड फाइनली हमारे अकाउंट में आ गया था. पहला पेमेंट आया था मेरे को $120. आप उसको कन्वर्ट करके देख सकते हो. लगभग एक साल के मेहनत के बाद फाइनली मेरे को पैसा मिला था एंड बहुत ही खुश था मैं. एंड पैसे मिलने के बाद मोटिवेशन और भी ज़्यादा हाई हो गया, और भी ज़्यादा काम किया एंड फाइनली 3 महीने के अंदर दूसरा पेमेंट आ चुका है. सो अभी मैं पेमेंट लेके ही आया हूँ. उसी गैस को उसका हिस्सा दे दिया, मेरे पास मेरा हिस्सा रख लिया एंड कुछ हिस्से हम रखे, थोड़ा सेटअप को चेंज वगैरह करेंगे. क्या होगा सेटअप का चेंज, आगे और भी वीडियोस आएंगे उसके ऊपर. तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस. मेरे को बोल दिया कैसा जर्नी था, कैसे हम जीरो से स्टार्ट किए थे एंड कैसे हम धीरे धीरे अर्निंग करना शुरू कर रहे हैं. सो क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया? तो वो कैसे वीडियो थोड़ा लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा, क्योंकि आपके लाइक एंड आपके कमेंट से यूट्यूब के एल्गोरिथम को बहुत ही फर्क पड़ता है. बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, पैसे जितने भी हो बट अगर वो पैसे आपके मेहनत के है, आपने खुद मेहनत करके वो पैसे बनाए, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है.